तब आपको समझ में आता है कि आप क्या करके कितनी तैयारी करके आए हैं। तो अब इनका वो एग्जाम का पीरियड, वो जो तैयारी होती है वो अब शुरू हो चुकी है। अब सामने नया सियासी सफर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, कुछ समय के बाद में सीएम आएंगे सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में पहुंचेंगे सचिवालय। बड़ी खबर इस बीच में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन में, उसी के साथ ही सचिवालय में मनाया जाएगा सीएम का जन्मदिन। बड़ी खबर इस बीच में, 55 किलो लड्डू भी मंगवाए गए हैं 55वें जन्मदिन पर। 55वें साल के हो चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सचिवालय कार्मिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। सचिवालय में लगाए गए हैं सीएम के कट आउट यानी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कुछ समय के बाद सीएम सचिवालय पहुंचेंगे, 55 किलो के लड्डू मंगवाए गए हैं क्योंकि 55 साल हो चुके हैं, 55वां जन्मदिन है। कुछ समय के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचेंगे, पदभार संभालते हुए शपथ लेते हुए तस्वीरें, और उसके साथ इसके बगल में बड़ी खबर भी कि कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय कार्मिकों ने एक भव्य तैयारी की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस पर। 55 किलो लड्डू भी मंगवाए गए हैं 55वें जन्मदिन पर। यही होता है प्रेम, यही प्रेम होता है कार्यकर्ताओं का, कार्मिकों का, जो एक मुख्यमंत्री के प्रति आज लुटाया जा रहा है भजनलाल शर्मा के लिए। थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचेंगे, 55वें जन्मदिन पर भव्य तैयारी की गई है, कटआउट्स लगाए गए हैं। और ये भी हमने देखा जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था कि किस तरह से कटआउट्स लगाए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जन कल्याणकारी योजनाओं के भी कटआउट लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाई गई थी, और उसी तरह कुछ तैयारी की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी। तो सचिवालय में कुछ देर में नजर आएंगे, वो भी तस्वीरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 55 किलो लड्डू भी मंगवाए गए 55वें जन्मदिन पर। बीजेपी ने आज दो डबल गिफ्ट दिया है भजनलाल शर्मा को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।